बता दें कि आज तैयार हुआ बजट कल किया जाएगा पेश। सीएम गहलोत ने फाइनल किया बजट, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट फाइनल कर दिया है। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहा है। यही बजट है जिसका प्रदेश की जनता को इंतजार है और पहली बार कृषि बजट भी पेश किया जाएगा, तो ऐसे में इस बजट को लेकर किसानों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार संवाद किया ताकि हर तबके से जुड़ी मांग जो है इस बजट में हो, और इसी को लेकर कहा भी जा रहा है कि इस बार का बजट सबसे बेहतरीन होगा, लोक लुभावन होगा। और फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए उसी बजट की तस्वीरें प्रदेश की जनता के समक्ष जिसका प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। बिल्कुल, देखिए आयुष्मी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश का बजट फाइनल कर दिया है। जो घोषणा होनी है वो मुख्यमंत्री के इटारे में है अभी, और अभी जो है मुख्यमंत्री ने उन तमाम अधिकारी के साथ फोटो भी खिंचवाई है जिन्होंने पिछले एक महीने की लंबी मेहनत के बाद प्रदेश का बजट तैयार किया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये बजट जो है प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और क्योंकि प्रदेश में पहली बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा, और ये विश्वास जताया जा रहा है कि किसान है, मजदूर है, युवा है, महिला है, कर्मचारी है, विद्यार्थी है और आमजन है, उनकी सभी की उम्मीदों पर बजट खरा उतरेगा। कल 11 बजे मुख्यमंत्री विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट का पूरा माना जा रहा है करीब 2 घंटे का भाषण होगा मुख्यमंत्री का, क्योंकि इस बार किसान बजट है वो अलग से होगा। खास बात ये भी है इसमें कि लगातार खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे थे, और जो भी विधायकों ने खासकर अपने क्षेत्र विशेष की प्रमुख मांगे की है उनको भी इस बजट में जमा किया गया है। और माना ये जा रहा है कि एक विधायक की जो 5 प्रमुख जो मांगे हैं उनसे उनको पूरा इस बजट में कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात और आई थी, आपको ध्यान होगा कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है फाइनेंस अखिल अरोड़ा, उनकी माता जी का निधन हो गया था 3 दिन पहले, और क्योंकि वो एक अहम कड़ी है बजट तैयार करने में, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने अपना ये जो कर्तव्य है प्रदेश का बजट तैयार करने का उसको बखूबी निभाया, और एक तरफ घर पे उनके एक कह सकते हैं दुखों का पहाड़ टूटा था, दूसरी तरफ उन्होंने उनके बावजूद भी लगातार यहाँ आके सीएमआर में और सीएमओ में आके बजट को फाइनल किया, बजट को तैयार किया। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि अखिल अरोड़ा है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद है। अब इंतजार इस बात का है कि कल जब जादूगर का सितारा खुलेगा, कल जब जादूगर का सितारा खुलेगा तो किसके लिए क्या संवाद होगी, किस मंत्री का विभाग मालामाल होगा, प्रदेश के किस जिले को सबसे ज्यादा सौगातें मिलेगी, और कौन विधायक है वो सबसे ज्यादा घोषणाएं अपने लिए मुख्यमंत्री से करवा पाएगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने लगातार ये बजट है इसको तैयार कराया है, और ऐसे में माना यही जा रहा है कि ये एक ऐसा बजट होगा जिसमें हर क्षेत्र से जुड़ी घोषणाएं होगी, हर क्षेत्र से जो जुड़ी, खासकर जिसमें कहा युवा है, महिला है, किसान है, मजदूर है, उन सब सब के लिए कोई ना कोई योजना इसमें जरूर होगी। अगर हम बजट की बात करें ऐसी तो इसमें जो प्रमुख सचिव है वित्त अखिल अरोड़ा तो है, साथ में जो वित्त राजस्व है सुरेश चंद्र गुप्ता है, सचिव है वित्त बजट सुधीर कुमार है, नरेश छतराल है और विजय किशोर शर्मा, इनकी भी इनकी टीम ने भी काम किया है पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बजट को तैयार करने में, और मुख्यमंत्री का बजट भाषण है वो भी तैयार हो चुका है। और अब इंतजार इस बात का है कि जब 11 बजे मुख्यमंत्री अपना भाषण शुरू करेंगे तो उनकी हर एक लाइन में प्रदेश के लिए सौगात होगी, उनका और उस बजट भाषण को दिखाने के लिए भी जो है सरकार ने अपने तरफ से भी व्यवस्था की है कि इसका लाइव प्रसारण हो, साथ में संगठन ने भी अपनी तरफ से जो है वो तैयारी की है। तो माना यही जा रहा है कि चाहे वो पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, उनके क्षेत्र के लिए कोई ना कोई घोषणा इस बजट में जरूर होगी, और कई अहम योजनाओं की जो शुरुआत है वो इस बजट में से हो सकती है। मुख्यमंत्री कई नई योजना है ला सकते हैं, खासकर किसानों के लिए जो अलग ऋण माफी का जो मुद्दा है वो लगातार चाह रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री
जो कमर्शियल बैंक है उनसे जो किसान ऋण लिया है उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसका समावेश भी इस बजट में होगा। बिल्कुल नरेश, और जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी तो यही कह रहे थे लोग भी कि जादूगर अपनी जादू की छड़ी चलाएंगे और सभी आम लोगों को राहत जरूर देंगे इस बजट के माध्यम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।